यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 4 सूक्त प्रथम। ओम युक्ष्वा हि देवहूतमान अश्वान अग्ने रथीव निहोता पूर्वे सदः। मंत्रार्थ: अग्ने, हे अग्नि, प्रतिशील अग्नि अग्रणी, नी निश्चित रूप से, होता आह्वान ग्रहण दान करने वाले, पूर्वे पूर्व, सदः प्रतिष्ठित, देवहूतमान प्रकाशमानों का आह्वान दान करने वाले वालों को, अश्वान शीघ्रगामी व्यापक को, रथी रथी रमणीयता युक्त इव के समान ही युक्ष्वा युक्त कीजिए। भावार्थ: जैसे रथी शीघ्रगामी अश्वों को रथ में युक्त करता है, लगा देता है, उसी तरह आप भी शीघ्रगामी अर्थात शीघ्रता से कार्य करने वाले कुशल जनों को कार्य में नियुक्त कीजिए। निरुक्त: होता हु धातु, दान करना, आदान प्रदान करना, वे धातु, आह्वान करना, शब्द करना, सद धातु, सद 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 बैठना, अग्नि में अग धातु, गति अग्रणी होना, देव हूतमान, देव प्रकाश करना, स्तुति आनंद प्रीति करना, रथि में रम धातु, रमना रमण करना, अश्वान में अश अशु व्याप्त होना, तीव्रता से पहुंचना, युक्ष्वा युज धातु, जुड़ना, मिलाप करना, एकत्र होना। ओम कम ओम कम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 4 आज प्रस्तुत कर रहे हैं। युक्ष्वा हि देव हूतमान अश्वान अग्ने रथि इव निहोता पूर्व्या सदा। इसमें अग्ने पद आया है, थोड़ा बाद में संबोधन में है, स्पष्ट है कि हम अग्नि को संबोधित कर रहे हैं। अग्नि का अर्थ अग्रणी, प्रगतिशील, कल के मंत्र में ही ऐसे ही अग्नि संबोधन था। अग्नि सूक्त हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील, युक्ष्वा, ये पद क्रिया है, युक्त करो, ये भी युज धातु से बना है, क्रिया रूप है, युज धातु का वेद में विविध प्रकार से रूप बनते हैं, कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, संस्कृत में भी हैं, वेद में कुछ उससे भी अधिक व्यापकता विविधता कुछ भी कहने है। तो युक्ष्वा का अर्थ हुआ योजन करो, जोड़ो, युक्त करो, युज धातु का अर्थ जुड़ना, मिलना, हम सब जानते ही हैं, इसी से योग बनता है, जोड़। युक्ष्वा का अर्थ है युक्त करो, ही वेद में है, ही अभी भी हम लोग बोल रहे हैं उसी अर्थ में, देवहूतमान। अब देखिए इसको समझना है, सूक्ष्मता से ध्यान देना होगा, देवहूतमान ये ना इसमें हलंत है अर्थात अस्वर है, हलंत और अस्वर भी जानना चाहिए, व
वास्तव में आपके समझने के लिए इसे अश्वर कहना अधिक उपयुक्त है। सामान्यतः लोगों ने सुन रखा है कि एक अक्षर के नीचे एक चिन्ह विशेष बना होता है तो ये हलंत है। वो क्या होता है ये सब लोग नहीं जानते। इसका अर्थ होता है ये अक्षर जो है वो अस्वर है, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है। यदि हम का बोलेंगे तो उसमें भी आ होता है, आ बोला तो इसका में स्वर नहीं है, आ पहले आ गया। तो ये अस्वर होता है। हलंत कह देते हैं पाणिनी व्याकरण में, हल उनके कुछ सूत्र हैं उसमें हा से ला तक सभी व्यंजन आ गए हैं। स्वरों के अतिरिक्त जितने व्यंजन हैं वर्णमाला में वे सब उन सूत्रों में समाहित हैं जो हा से आरंभ होकर ला पर समाप्त हो रहे हैं। ऐसे सभी सूत्र जितने भी हम यहाँ पर वो इस तरह के सूक्ष्म व्याकरण तो नहीं पढ़ा रहे, वेद मंत्र का अर्थ कर रहे हैं, संदर्भ बस कुछ जानकारियां आपको तो समझने में सुविधा होती है उतना बता देते हैं। तो इसलिए सभी व्यंजन उस हा से ला तक के सूत्रों में आ जाते हैं तो हल कह देने से अर्थ हो जाता है कि सभी व्यंजन इसमें आ गए। तो लोक व्यवहार में हल एक प्रकार से व्यंजन का पर्यायवाची हो गया। हल कहने का अर्थ है व्यंजन, सभी व्यंजन उनमें से कोई भी हो सकता है, अर्थात स्वर के अतिरिक्त जो व्यंजन वर्ण है वे सभी हल में आ जाते हैं। हलंत का अर्थ हुआ जिसके अंत में हल अर्थात व्यंजन हो, वो शब्द हलंत शब्द होता है अक्षर में। तो जिस शब्द के अंत में अस्वर व्यंजन है स्वर नहीं है उसको हलंत कहते हैं, और जहां स्वर अंत में आ जाता है वो अजंत कहलाता है। सभी स्वर आ से जातक आ जाते हैं, इसी प्रकार से उन सूत्रों में आ जाते हैं जो आ से जातक हैं, अज अच वास्तव में चा है जा नहीं, तो अच है, आ से चा तक सभी सूत्र आ जाते हैं तो वो अच अंत जोड़ करके अजंत बोलते हैं। संधि के नियम से चा का जा हो गया, ये तो हम लोग जानते ही हो जाता। तो अजंत और हलंत इस प्रकार से हो जाते हैं। स्वर को अच यूं कहने कि समय सामान्यतः प्रचलित यही है कि अच का अर्थ स्वर और हल का अर्थ व्यंजन। तो अजंत और हलंत दो प्रकार के शब्द हो जाते हैं। तो ये ना अंत में हलंत है, ये बताने का हमारा एक विशेष प्रयोजन है। इस शब्द को समझने में सुविधा होगी और जानकारी हो जाएगी, दोनों शब्दों में भी उपयोग हो सकेगा। इसमें ये ना हलंत अर्थात व्यंजन अंत में है, ना के पश्चात कोई स्वर नहीं है, ये बता रहा है कि हलंत है व्यंजनांत है, अर्थात न वर्ण में कोई स्वर नहीं है, ये व्यंजन अपने आप में ही अंत में है। ठीक, ये बताने का भाव क्या था, यदि यह हलंत ना होता तो अर्थ में बड़ा परिवर्तन आ जाता, ये बताने का मुख्य उद्देश्य ये था। यदि शब्द होता देवहूत मान, हलंत न होता ना अजंत होता अर्थात इसमें स्वर होता, आ ही मिला होता, मान के स्थान पर मान होता ना में आ होता तो क्या होता, जैसे गतिमान गति करता हुआ, चलायमान सुना होगा चलता हुआ, पठमाना बालका पढ़ता हुआ बालक, तो ये प्रत्यय होता मान प्रत्यय, इसका अर्थ हो गया करता हुआ। ये हलंत होने से उसने यहां पर बहुत अंतर कर दिया है, तो सावधान रहें, इससे अर्थ इधर से उधर जा सकता है। अब ये क्या हुआ, देव भूतम और उसमें ये अन या आन जुड़ा तो देवभूत मान, जैसे पुस्तकान
बालकान अर्थात ये कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये प्रथमा बहुवचन की विभक्ति है आम। ना हलंत ना होता तो वह प्रत्यय दूसरा हो जाता, अर्थ और होता। यह चूंकि विभक्ति है, तब विभक्ति को हटा दें तो शब्द क्या बचा, शब्द बचा देवहूतम। यह जानना समझना अनिवार्य है, निश्चित रूप से हम कहते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वेद पढ़ना प्रारंभ करने से पहले या व्याकरण के आचार्य हो जाएं, पाणिनि अष्टाध्यायी महाभाष आदि कंठस्थ कर लें, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। परंतु आपको एक जागरूक विद्यार्थी होना आवश्यक है। हम ऐसे ही आपको बताते जा रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को आप भी ऐसे ही बताते जाइए। भाष्य में बहुत कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, और थोड़ा सा व्याकरण आपको हमारी सरल संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ लेनी है, बस इतने में ये सारी बातें आप समझ सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। देखिए, देव शब्द से तो आप सब अच्छी तरह परिचित ही हैं। देव धातु से देव शब्द बना है, प्रकाशमान दिव्य, ठीक, तो हो गया देव। और उसके बाद आया पू धातु है, जिसका अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। अब बचा तम, ये तम में मा अजंत है, स्वरांत है, ये तम का मा इसमें स्वर है, ये हलंत नहीं। तम जैसे कहते हैं आप श्रेष्ठतम, अन्यतम, निम्नतम, ये जो तम प्रत्यय लग रहा है, ये तर और तम ये गुण बढ़ा रहा है, सर्वोत्तम जैसे उच्च, उत्तर, उत्तम, तो ये बताया है देवहूतम। तो शब्द आपका जो हुआ वो हुआ केवल देवहू, और देवहू में देव शब्द देव धातु और हु अपने आप में धातु है ही, तो देवहू शब्द केवल हुआ, जिसका अर्थ आपको समझना है। तो देव का अर्थ हुआ दिव्य प्रकाशमान और हु का अर्थ हुआ दान करना, आदान प्रदान करना। सामान्यता वेद में कहीं कहीं हु जो आता है उसको हे धातु के अर्थ में भी लिया जाता है, कह सकते हैं हु धातु का अर्थ हे धातु के समान आह्वान करना भी होता है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। बात को कहने का तरीका है, कह सकते हैं कि हे धातु का हु भी हो जाता है, और ये भी कह सकते हैं कि हु धातु का अर्थ वे के समान बुलाना भी हो जाता है। ये कहने समझने का तरीका है, बात एक ही है, इतना आप समझ सकते हैं। उसमें कभी आप ऐसी शास्त्री शास्त्रार्थ जैसी माथापच्ची ना करें कि किसी ने कहा कि नहीं वे धातु तो वो है और यहां पर वे का हु आदेश हो गया है, और दूसरा कोई इस तरह बताए, तो आपके समझने के लिए आपकी भाषा में सरलता से हमने बता दिया। बात एक ही है, वेद में उस आता है तो उसका अर्थ पुकारना भी होता है वे के समान, और वैसे वे धातु है उसका अर्थ पुकारना होता है। वो धातु का सामान्यता अर्थ जो आपको लिखा मिलेगा विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों में, वे दान करना और आदान प्रदान करना तो मिलेगा ही, मानने की आह्वान करना पुकारना भी होता है, तो आपको सुविधा होगी। अब इसका अर्थ करें देवहू का। देव का अर्थ दिव्य प्रकाशमान हम जानते हैं, हू का अर्थ हमने जान लिया, दान करना आदान प्रदान करना, आह्वान करना भी, लेना हो ले ना ले कोई समस्या नहीं है। अब यही मैं कहता हूं कि अर्थ करने में ये अंतर हो सकता है, कोई आह्वान करने का अर्थ लेकर इस शब्द का अर्थ कर सकता है, कोई दान करना आदान प्रदान करने का अर्थ लेकर हु धातु से इसका अर्थ कर सकता है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सबको अधिकार है कि धातुओं के अनुसार अलग अलग अर्थ कर सकते हैं, हम सभी अर्थ स्वीकार करते हैं, आपसे कहते हैं, इसमें ये विवाद नहीं होना चाहिए कि उस विद्वान ने ये अर्थ किया है तो वही एकमात्र सत्य है,
भाई किसी विद्वान को कोई ठीक लगा लिखा और किसी विद्वान के पास इतनी स्थितियां नहीं थी कि वो सारे के सारे अर्थ अपने भाष में लिख जाता। उसको जानकारी में था भी, विचार में था भी, पर उस सब कुछ लिखना संभव नहीं था। कुछ आप अपना विवेक भी लगाइए। तो हो गया देवहू का अर्थ हुआ देव का या देव के लिए दान करने वाला, आदान प्रदान करने वाला या कह लें आह्वान करने वाला। यदि आह्वान का अर्थ लेते हैं तो देवहू का सामान्य अर्थ हो जाएगा देव का आह्वान करने वाला। ये भी हो सकता है कि दान करना आदान प्रदान करना ही अर्थ लेंगे तो हम यही कहेंगे देव के लिए दान करने वाला और देव के लिए आदान प्रदान करने वाला, ये अर्थ निकलेगा। इसी हु धातु से हवन शब्द बनता है, हवन का अर्थ भी यही होता है दान और आदान प्रदान, इसी को हवन कहते हैं। अब उसमें भी हाव अगर आह्वान का अर्थ ले लें तो उसमें आह्वान करना बुलाना भी हो सकता है। हवन का अर्थ है कि आप लोगों को बुलाइए, दान करिए, आदान प्रदान करिए, उसी को हवन कहते हैं। तो देवहू देव के लिए दान करने वाला, देव के लिए आदान प्रदान करने वाला अर्थात अथवा देव का आह्वान करने वाला। और उनमें जो अन्यतम है तम प्रत्यय लगा देवहू, देव के लिए दान करने वाला देवतर, देवहू तर लिखा होता ये भी हो सकता था देवहू तरम, तो हो सकता था कि उससे अधिक दान करने वाला। यहां कहा गया देवहू तम अर्थात देव के लिए सर्वाधिक दान करने वाला, सर्वाधिक दान आदान प्रदान करने वाला, सर्वाधिक दान करने वाला। तो जो दानियों में उत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है देवहू तम, जो देवत्व के लिए देवजनों के लिए अपने सामर्थ्य भर सर्वाधिक दान कर रहा है वो है देवहू तम। और कहा गया है देवहू तमान। देखिए सर्वोत्तम कहने के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि वो एक ही हो सकता है, बहुवचन का प्रयोग किया है कि दानियों में जो सर्वोत्तम है, अधिक से अधिक दान करने वाला, अधिकतम शब्द भी प्रचलित है आप जानते हैं, वो भी तम प्रत्यय ऐसे ही लगा है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम ये तीनों शब्द आपके परिचित हैं, उससे आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। देवहू देवहू तर देवहू तम, अधिक अधिकतर अधिकतम। तो देवों के लिए अधिकतम दान करने वाले कहा है बहुवचन में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि हमारे समाज में, ग्राम में, नगर में, राष्ट्र में एक ही व्यक्ति होगा सर्वाधिक दान करने वाला, नहीं। इसमें भाव ये है कि अपने सामर्थ्य भर आप सर्वाधिक दान कर रहे हैं। कोई बहुत अधिक धनवान है वो हमारी तुलना में बहुत अधिक दान करेगा और उसकी तुलना में हम अपने सामर्थ्य भर उसका एक अंश मात्र भी करते हैं, परंतु हमारे सामर्थ्य के अनुसार वो बहुत है, इतना हम बहुत साहस करके दे पा रहे हैं, इसके बाद हमारे निर्वाह के लिए कितना शेष रह जाएगा ये सब देखते हुए साहस करके हम इतना दे पा रहे हैं। और जो राष्ट्र का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है उसके लिए क्या है, उससे वो लाखों गुना ऐसे दे देगा, भूल जाएगा, उसके लिए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो देवहू तमान जो कहते हैं कि अपने सामर्थ्य भर अधिकतम दान करने वाले, तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे, होने ही चाहिए। यहां पर केवल धनराशि नहीं कही जा रही है अधिकतम, आशा है कि अपने सामर्थ्य भर अधिक से अधिक करने का प्रयास हम करते हैं तो हमें देवहूतम कहलाने का अधिकार है। ये संकोच में न पड़े कि ये बहुत धनी लोग हैं वो तो कर रहे हैं, उसमें हमारा एक छोटा सा योगदान क्या महत्व रखेगा, नहीं। वेद कहता है उसका भी महत्व है, इसीलिए यहाँ पर देवहूतम कहने के बाद भी बहुवचन का प्रयोग किया है कि ऐसे बहुत से लोग समाज में होते हैं और होने चाहिए। देवहू तमान।
इस शब्द पर हमें इतनी चर्चा करनी पड़ी, इससे आपको व्याकरण से लेकर के इसका जो भाव संदेश था उसको समझने में निश्चित रूप से सुविधा हुई होगी। आपसे अपेक्षा यही है कि सभी शब्दों पर ऐसे ही चिंतन मंथन करें, तब आप वेद को गंभीरता से समझ सकते हैं, हमसे भी अच्छा कर सकते हैं। हम निरंतर कहते हैं आप गंभीरता से प्रयास करते रहें। इच्छा ही देव हूतमान, जो ऐसे देवहूतम लोग हैं उनको युक्त करो, उनको जोड़ो। कहा और कैसे जोड़ो, क्या कहते हैं, अश्वान अग्ने रथी यो, अग्ने हे अग्नि, हे अग्रणी, हे प्रगतिशील। हमने पहले ही कहा कि हम परमेश्वर के लिए कह सकते हैं और समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनके लिए भी कह सकते हैं। तो हे अग्नि, हे अग्रणी, अश्वान रथी यो, जैसे रथी लोग, जो रथी है, जैसे रथी अश्वान अश्वों को, उस तरह रथी यु रथी के समान अश्वान अश्वों को, अश्वों को रथी के समान, जैसे रथी अश्वों को जोड़ता है। देखिए एक कविता है, कितने सूत्र संक्षेप में कह दिया गया, शेष आप समझो। अश्वान रथी यु रथी के समान अश्वों को, इच्छा पहले आया है क्रिया, वो जहां भी उससे संदर्भ ले लीजिए, जैसे रथी अश्वों को जोड़ता है। अब रथी कह दिया तो कहां जोड़ेगा, रथ में जोड़ेगा, रथ में अलग से नहीं कहा, आप समझ लीजिए जब रथी जोड़ेगा तो रथ में ही जोड़ेगा, और जोड़ना किसको है, अश्वों को, तो रथी तो अश्वों को, अश्वों को रथ में ही जोड़ेगा, और कहां जोड़ेगा, तो ये आपको समझना होगा। तो जैसे रथी अश्वों को रथ में जोड़ता है, वैसे ही हे अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर अथवा समाज के अग्रणी जन, इच्छा ही देव हूतमान, जो समाज के देव हूतम लोग हैं, देवों के लिए अत्यंत दान करने वाले लोग हैं, उनको आप जोड़िए, युक्त कीजिए अपने इस कार्य में, समाज के कार्य में, वेद के कार्य में, उनको जोड़ दीजिए जो समर्थ हैं, और ये भावना भी रखते हैं कि हमें अधिक से अधिक समाज के लिए करना है, दान करना है, उनको इस कार्य में लगाइए। ये तो परमेश्वर प्रेरणा देकर उनको लगा सकता है, या जो समाज के अग्रणी मार्गदर्शक हैं वो उनको प्रेरित करके लगा सकते हैं, तभी तो हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। कहते हैं नि होता पूर्व्या सदा, नि निश्चित रूप से होता, होता अर्थात हवन करने वाले, बाबा क्या बात है, क्योंकि अभी आ गया है देव हूतमान, जो देव हूतम है, देवों के लिए अत्यधिक हु अर्थात हवन करने वाले, दान करने वाले हैं, होता का अर्थ भी हुआ हवन करने वाले, दान करने वाले। अब हवन का अर्थ दान ही समझें, क्योंकि हु धातु का अर्थ दान करना है, तो होता दान करने वाले, निश्चित रूप से होता दान करने वाले, पूर्व्या पहले, पूर्व पहले स्पष्ट है, हम सब जानते हैं, सदा सद बैठना चलना, दोनों अर्थ हो सकते हैं, सदा बैठे हुए, सभा सद इसे कह सकते हैं, यूं मानते हैं पूर्व्या सदा, आप तो पहले ही सभा में बैठे हैं, आप अग्रणी सभा सद हैं, पूर्व आने वाले सभा सद हैं, तो ऐसे लोग मिलकर के जो देव हूतम हैं उनको सम्मान पूर्वक आह्वान करके इस अच्छे कार्य में, वेद के प्रचार कार्य में उनको जोड़ें, जैसे एक रथी रथ चलाने वाला अश्वों को रथ से जोड़ता है और रथ को आगे बढ़ाता है, आप ऐसे ही देव हूतम लोगों को, देव कार्य के लिए अधिकतम देने वाले लोगों को इस पवित्र कार्य से जोड़िए, जिससे ये कार्य भी रथ के समान द्रुत गति से, तीव्र गति से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। ओम, हम अपनी चर्चा को यहाँ पूर्णता दे सकते हैं। अब आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार रखने हो रखें। ओम।
आपत्ति बोलो भाई। गुरुजी हाँ, जो भी प्रश्न था रख सकते हैं यहाँ, कोई बात नहीं, यहाँ चर्चा करेंगे तो सबको मिलेगा। हाँ हाँ गुरुजी, वो इस प्रकार था कि जो हाँ वो पुरुष के आया था कि पुरुष का सार्थक कर्म पुरुषार्थ है ना, तो वो ये चीज थी कि मतलब जैसे विद्यार्थी की बात हुई थी तो उसमें छात्र छात्रा दोनों आ जाते हैं, तो दोनों के लिए पुरुष का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मतलब इसमें जैसे आपने बताया था तो पुरुष तो परमात्मा के लिए आया था अग्रसर होने के भाव में, कि उसकी तरफ जो अपन उसके लिए सार्थक कर्म करेंगे, तो थोड़ा सा इसको विस्तारित कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा जिससे पूरा। जी देखिए, पुरुष एक शब्द है और शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा। अब उस अर्थ में हम किसे संबोधित कर रहे हैं वह बिल्कुल अलग विषय होता है। ठीक, पुरुष शब्द का अर्थ हुआ अग्रणी, पुर आगे होना, अग्रसर होना के अर्थ में धातु है पुर, उससे बना पुरुष, उस प्रत्यय हो गया तो बन गया पुरुष। क्योंकि सृष्टि में सबसे अग्रणी परमेश्वर है इसलिए हम परमेश्वर को पुरुष कहते हैं, वेद में मुख्य रूप से कहते हैं। परमेश्वर के अनेक नामों में एक पुरुष भी है, जैसे अभी हमने अग्नि कहा, अग्नि भी परमेश्वर का नाम है, इंद्र भी है, अनेक नाम है उसके वेद में, उसे अनेक नामों से कहा गया है, तो अनेक नामों में एक नाम उसका पुरुष भी है। क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि में अग्रणी है इसलिए उस परमेश्वर को पुरुष भी कहा गया है। पुरुष का शाब्दिक अर्थ तो केवल अग्रणी है, वो परमेश्वर को कहें या किसी को कहें वो हमारी इच्छा पर है। एक बात तो ये स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि पुरुष कोई परमेश्वर का पर्यायवाची है, जब भी पुरुष कहेंगे तो उसका अर्थ परमेश्वर होगा, ऐसा नहीं होगा, वेद में भी नहीं होगा, लोक में भी नहीं होगा। पुरुष का शाब्दिक अर्थ अग्रणी है, चूंकि सृष्टि में सबसे अग्रणी परमेश्वर है इसलिए हम परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं। हम सभी अग्रणी को पुरुष कह सकते हैं, हमारे परिवार में अग्रणी हमारे दादाजी हैं या हमारे पिताजी हैं, तो वो भी उस परिवार के पुरुष हैं, इसको इस रूप में समझे। समाज में जो अग्रणी हैं उनको हम समाज के पुरुष कह सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर अर्थ इस रूप में है अग्रणी। अब बात विद्यार्थी की आई थी, तो विद्यार्थियों में जो अग्रणी है उसे विद्यार्थियों में पुरुष कहा गया। जब आपने पुरुषार्थ की बात की तो यही कहा गया कि विद्यार्थियों में पुरुष होने के लिए, अर्थात विद्यार्थियों में अग्रणी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ क्या होगा एक विद्यार्थी के रूप में। एक विद्यार्थी के रूप में पुरुषार्थ अर्थात विद्यार्थियों में अग्रणी होने के लिए हमें क्या करना है, क्या कर्तव्य है, हमसे क्या आशा अपेक्षा है। तो एक विद्यार्थी के रूप में आपका पुरुषार्थ यही है कि आप पूरा मन लगाकर विद्या को ग्रहण करें, विद्या के ग्रहण में आप पुरुष अर्थात अग्रणी बने, यही विद्यार्थी का पुरुषार्थ है। स्पष्ट है, इसमें विद्यार्थी में छात्र छात्रा, नर नारी, बालक बालिका जैसा कोई भेद नहीं है। वैसे भी हमने आपको बताया है कि वेद में सामान्यता इस तरह के लिंग भेद होते नहीं है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कम स्थान ऐसे मिलेंगे जहां पर ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा लिंग भेद करके उस अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। सामान्यता उसमें भूत भविष्य वर्तमान का कोई भेद नहीं है, नर नारी का कोई भेद नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसा कुछ नहीं होता। वेद जिस सार्वभौम सत्य की बात करता है वो इन सब भेदभाव से परे होता है, तो वो तो वेद की बात है। लोक में जब हमने कहा कि एक विद्यार्थी का पुरुषार्थ क्या है, तो स्पष्ट है कि विद्यार्थी को पुरुष अर्थात अग्रणी होने के लिए यही करना है कि वो विद्या अध्ययन के कार्य में अग्रणी हो, वो
बालक हो या बालिका हो, युवक हो या युवती हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, सबके लिए वही शब्द है, इसमें इस तरह का भेदभाव नहीं होता, हम यही कह सकते हैं। ओ जी गुरु जी, और किसी की कोई बात, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा समय तो हो गया है, समापन भी कर सकते हैं, फिर भी किसी का प्रश्न हो तो रखे हैं, आप जानते हैं इसी कोई समय की सीमा नहीं है, चर्चा हो तो कर सकते हैं, प्रश्न नहीं होगा तो समापन होगा। यदि किसी का प्रश्न हो तो रख दीजिए, अन्यथा फिर समापन करते हैं। ठीक है, तो मैं समापन कर रहा हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। ओम यो सो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो सो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदिते पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदिते पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। प्यारे बच्चे पाठ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को, और हम सब ऐसे ही प्रयास करें, सभी परिवारों में बच्चे ऐसे ही कम से कम एक ओम मंत्र का पाठ ही सीख जाएं तो भी बहुत सार्थकता है। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग स्वेद कक्षा में पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम।